जल जीवन मिशन। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है, सुखी रहो में जन है। जल नहीं ये जीवन दान है, हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल। आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का यह अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। इनकी दवाई से कोई बीमार हो तो आपके पास नहीं नहीं हमारी इनकी दवाई से जो ठीक होता हमारी दवाई से ठीक होता है। Thank you.
किन्नौर जिला अपने हथकरघा उत्पाद के लिए देश भर में जाना जाता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ के हथकरघा उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं। जिला के हथकरघा किन्नौर जिला खासकर सेब उत्पादन के लिए देश भर में मशहूर है। यहाँ का सेब पूरे भारतवर्ष की जो विभिन्न बड़ी मंडियां हैं वहां आयात किया जाता है और जिला के लगभग 100% लोग बागवानी से जुड़े हुए हैं। जिला में विशेषकर कृषि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं तथा जिला की कुछ पंचायतें तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती को अपना रही है जबकि हर पंचायत में कुछ लोग प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। बूंदों ने मिलकर ठानी है जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है, सुखी लगों में जन है। जल नहीं ये जीवन दान है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्थानीय जनता द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आज के जनमंच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी का हम जिला प्रशासन व स्थानीय ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच पर विराजमान है हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री सुर्ख नेगी जी, किन्नौर जिला के उपायुक्त श्री आबिद हुसैन सादिक जी। हम स्थानीय ग्राम पंचायत की ओर से इनका भी यहाँ पधारने पर नागरिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं मंच पर विराजमान जिला परिषद अध्यक्ष श्री निहाल चास जी, पंचायत समिति निचार के अध्यक्ष श्रीमती राजवंती जी, इनका भी हम आज के जनमंच कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि और उपस्थित सभी का हम आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सोच रही है कि स्थानीय लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का प्रशासन द्वारा उनके घर द्वार के निकट समाधान सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं और कार्यों के लिए जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, खंड विकास मुख्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े। इसी उद्देश्य से उन्होंने जनमंच कार्यक्रम को आरंभ किया। इस कार्यक्रम के आरंभ होने से लोगों की जन शिकायतों व अन्य समस्याओं का उनके घर द्वार के निकट समाधान सुनिश्चित हो रहा है, तथा यह कार्यक्रम गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय उपायुक्त महोदय से कि वे जनमंच में आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन। आज के जनमंच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी, जिला परिषद अध्यक्ष श्री निहाल अरस जी, पंचायत समिति निचार अध्यक्ष श्रीमती राजवंती जी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, जनमंच कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको प्रतीत है कि प्रदेश सरकार के साथ साथ किन्नौर जिले में भी 3 जून 2018 को प्रथम जनमंच आयोजित किया गया व आज हम किन्नौर जिला में 10वां जनमंच आयोजित कर रहे हैं। जिले में पिछले 9 जनमंचों में 1048 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 1032 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा 16 शिकायतें लंबित हैं जो ज्यादातर डिमांड्स हैं। आज के जनमंच में निचार उपमंडल की 4 पंचायतें निचार, बरी, सुंगरा व पौंडा से 37 शिकायतें तथा 28 मांगे प्राप्त हुई हैं। क्षेत्र में प्री जनमंच गतिविधियों के तहत गत 1 सप्ताह से विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की गई, जिसके तहत केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से आरंभ की गई योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया, ताकि इन योजनाओं का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। इस दौरान प्री जनमंच के तहत विभिन्न पंचायतों में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 148 लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट इत्यादि भी किए गए। प्री जनमंच के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरसात के मौसम में होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया तथा इस दौरान विभिन्न पंचायतों में लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर में 152 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें 18 रोगियों के ब्लड प्रेशर टेस्ट तथा 6 व्यक्तियों के शुगर टेस्ट किए गए। साथ साथ उनका स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के प्रति
वैक्सीनेशन जो कि ऑलरेडी हमारे जिला किन्नौर में फर्स्ट डोज 100% हो गई है और सेकंड डोज भी 37% हो गई है और लोगों को जागरूक किया क्योंकि आने वाले सप्ताह में और उसके बाद अब ये जो सेकंड डोज का कार्यक्रम है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और हमें ये उम्मीद है कि 15 अक्टूबर में हम हिमाचल के ही नहीं पूरे देश के पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनेगा जो फुली वैक्सीनेटेड होगा। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दौरान विभिन्न विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजना जिनमें जननी सुरक्षा योजना, किम केयर व सहारा योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। प्री जनमंच के दौरान ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायतों में चलाए जा रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया गया तथा विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी भी लोगों को दी गई। राजस्व विभाग द्वारा प्री जनमंच के दौरान 6 इंतकाल किए गए। इसके अलावा 21 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। विभाग के अधिकारियों द्वारा 2 निरीक्षण भी किए गए। जल शक्ति विभाग द्वारा 12 पेयजल स्रोतों के पानी की टेस्टिंग भी करवाई गई। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को मौके पर ही फलों तथा अनाज से बनने वाली देसी शराब बनाने के लिए 60 लाभार्थियों को लाइसेंस जारी किए गए। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो आज निचार आए और इस जनमंच की के चीफ गेस्ट बने। धन्यवाद। जिला सिरमौर के किन्नौर के अपने निचार मंडल में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में यहाँ इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे जिलाधीश महोदय श्री आविद जी, हमारे वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन सूरज नेगी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बीडीसी की हमारी सामान्य चेयरमैन श्रीमती राजवंती जी, हमारे स्थानीय एसडीएम साहब, हमारे एसपी साहब और यहाँ पर उपस्थित अपने इस निचार क्षेत्र के सभी प्रबोधन बंधु, उपस्थित सभी विभागीय अधिकारीगण, समस्त मातृशक्ति, मेरे प्रिय युवा साथियों तथा प्रेस से है वो मेरे बंधु, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस जनमंच के कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं।
माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम मेरा नलका लगवा दो, मेरी पेंशन लगवा दो, मुझे गैस का कनेक्शन दिला दो, सब इसी कामों के लिए सारी जनता अपना समय बर्बाद कर दे। लेकिन हम इस मंच से, जनमंच के इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई भी देते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने वो लोगों को दौड़ाने की संस्कृति को खत्म करते हुए लोगों के घर द्वार जाकर उनकी समस्याओं को हल करने का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया है। और आज एक एक व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति की समस्या की चिंता हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है। आज मेरी किसी माता बहन बुजुर्ग को अपने हाथ में पेंशन के कागज लेकर किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है। आज हमारे बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन लग रही है। हमारे विभागीय अधिकारी स्वयं पंचायतों में जाकर, गांव गांव में जाकर जो भी 70 साल का व्यक्ति हुआ स्वयं उसका फॉर्म भरते हैं और उनको घर बैठे पेंशन लगवाते हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि मेरी पेंशन कब आएगी, कब मेरे खाते में आगे कैसे आ। व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के अंदर